दोस्तों, ग्लोबली लॉन्च होने के बाद आज मोटोरोला ने अपने नए स्मार्टफोन मोटो G6 प्लस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए देख लेते कैसा ये फ़ोन और हम इसको कंपेयर करके देखेंगे लगभग इसी प्राइस रेंज में आने वाले पोको F1 के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपेश, आप देख रहे हैं फोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो मोटो G6 प्लस के फ्रंट में दी गई 5.9 इंच की 18:9 रेशियो वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले और यहाँ पर पैनल दिया गया IPS का। वहीं पे पोको F1 में मिलते हैं 6.18 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर आपको नॉच मिलता है, लेकिन मोटोरोला में आपको नॉच नहीं मिलता है। 12+5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा मोटोरोला में दिया गया है, जबकि 1.7 का यहाँ पर अपर्चर मिलता है, जबकि सेल्फी के लिए फ्रंट में मिलता है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का कैमरा। वहीं पर पोको F1 में मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। पहला कैमरा आता है 1.9 अपर्चर के साथ, जबकि सेकेंडरी 5 मेगापिक्सल का कैमरा आता है दोस्तों 2.0 अपर्चर में। सेल्फी के लिए यहां पर मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 2.2 GHz का दोस्तों स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर दिया गया है मोटोरोला में, जो काम करता है 508 GPU पर, जबकि पोको F1 में मिलता है दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर 2.8 GHz का 845। बात करें अगर रैम और स्टोरेज की, दोनों फ़ोन में आपको 6 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है और दोनों में आपको 256 GB तक मेमोरी कार्ड लगाने का सपोर्ट मिल जाता है। पावर के हिसाब से देखकर 3200 mAh की बैटरी मोटोरोला में प्रोवाइड करवाई गई है, जो आती है दोस्तों टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग के साथ, जबकि पोको F1 में मिलती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी जो सपोर्ट करती है Qcharge 3.0। बात करें अगर कनेक्टिविटी में, दोनों फ़ोन में आपको डुअल सिम 4G वाईफाई ब्लूटूथ और टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है। 8.0 Oreo के साथ आता है मोटोरोला, जबकि पोको F1 में मिलता है आपको लेटेस्ट 8.1 Oreo। सिक्योरिटी के हिसाब से दोनों फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, लेकिन पोको F1 में दिया गया IR फेस अनलॉक यानी हार्डवेयर फीचर मिलता है आपको फेस अनलॉक करने के लिए। कलर वेरियंट के हिसाब से मोटोरोला G6 प्लस में ब्लैक कलर ही मिलता है, लेकिन पोको F1 में आपको ब्लैक, ब्लू और दूसरे कलर भी मिल जाते हैं। प्राइजिंग के हिसाब से 22,500 रुपये प्राइज मोटोरोला मोटो G6 प्लस की और ये मिलता है अमेजन पर, जबकि पोको F1 मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट पर और इसकी प्राइस है दोस्तों 21,000 रुपये। अब बात आती है दोनों फ़ोन में से बेहतर कौन है। तो डिस्प्ले का रेजुलेशन तो दोनों में फुल HD प्लस है, लेकिन आपकी पसंद के हिसाब से अगर आपको नॉच डिस्प्ले पसंद है तो आप पोको F1 के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप मोटोरोला का फ़ोन ले सकते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट भी दोनों फ़ोन लगभग बराबर है, लेकिन जब बात आती है प्रोसेसर की, तो यहाँ पर पोको F1 मोटोरोला के कई आगे नज़र आता है। रैम और स्टोरेज दोनों फ़ोन में बराबर है, लेकिन जब बात आती है दोस्तों पावर की, तो यहाँ पर भी बैटरी के मामले में पोको F1 काफ़ी आगे नज़र आता है और प्राइस के मामले में पोको F1 आगे है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1,500 रुपये का फ़र्क नज़र आ जाएगा।